तुम क्यों घबरा गए? नहीं तो घबराता क्यों? नहीं घबराते तो फिर जरा अलमारी खोलो। मगर क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारा हिस्सेदार हूँ, बिजनेस पार्टनर हूँ, मुझे भी हिसाब किताब देखने का पूरा हक है। इस वक्त ये कोई हिसाब किताब देखने का वक्त है क्या? बेईमान, मुझे तेरी सारी बदमाशियों का पता चल गया है। काम के बहाने रात को यहाँ बही खाते बदले जाते हैं। चोर, मैं आज तेरा भांडा फोड़ के रहूंगा। खबरदार, अलमारी को हाथ लगाया, हट जाओ। मनोहर, आप ही का नाम? जी हाँ, कहिए। मैं आपके मकान का सर्च वारंट लेकर आया हूँ। सर्च वारंट? जी हाँ, आप तलाशी ले सकते हैं। तुम लोग तलाशी लो। बात क्या है इंस्पेक्टर, मैं कुछ समझ न सका। कल रात आपके और आपके हिस्सेदार के दरमियान दफ्तर में कोई तकरार हुई? हाँ हुई थी। वो मुझे दोस्ती के पर्दे में लूट रहा था। मैंने जब अलमारी की तलाशी लेनी चाही तो उसने इनकार किया। फिर मैंने उसे मारा। जेवर मिले साहब, मुझे किताबें मिली। जी हाँ, ये किताबें और जेवरात मैं अपने ऑफिस से लाया था। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। क्यों? आपके हिस्सेदार के खून के इल्जाम। क्या? मगर इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना हो वो आप अदालत में कहिएगा। इस मुकदमे की मुकम्मल कार्रवाई पर नजर करते हुए और पुलिस प्रोसिक्यूटर के बयान को मद्देनजर रखते हुए कि मकतूल के कत्ल के वक्त मुजरिम की मौजूदगी, मकतूल से मुजरिम के झगड़े का इकरार, पेपर कटर पर मुजरिम की उंगलियों के निशानात और जूरी की राय से इत्तेफाक करते हुए तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। Thank you.
ओहो शेठ जी नमस्कार। शेठ जी होटल में ठहरिएगा जालीमार, किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। ठंडा पानी, गर्म पानी, क्विक सर्विस, कम किराया। करें भाई साहब, हूँ तो धर्मशाला में ठहरू। चलो जी पार्टनर, गलती हो गई। चलो सब सामान आ गया, सब ठीक ठाक। नंद साहब नहीं नहीं, अंदर एक और बैग होगा। वहां तो कुछ भी नहीं है। अरे अरे मेरा बैग। आपका बैग तो गया मैम सर। गया? हाँ। कहाँ गया? वो जी इधर खड़े थे ना, श्री 420, वो ले गए। तो तुमने रोका क्यों नहीं? जी हम कैसे रोकते, हम तो ये समझ रहे थे कि वो आपके एक दो तीन चार पांच। अरे ये कहां से आ गए? कुली साहब, कुली जी, कुली। अरे कहां गए? मुंशी जी। जी हुजूर। लिखिए। लिखाइए। जिधर देखो उल्टी गंगा बह रही है। आज गुंडे भी शरीफों का लिबास पहनने लगे हैं, और ये गुंडे फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, और लड़कियों का बैग लेकर फरार हो जाते हैं। ये लड़कियों को सताने वाले और ट्रेन से उनका बैग लेकर रफू चक्कर हो जाने वाले गुंडे हमेशा किसी न किसी सूरत में मौजूद रहे, और ये उल्टी गंगा हमेशा यूं ही बहती रही है। इसीलिए दास कबीर कह गए हैं, क्या कह गए? रंगी को नारंगी कहे, नकदमाल को खोया, चलती को घड़ी कहे, ये देख कबीरा रोया। हेलो प्रोफेसर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। नाम तो बहुत सुना था आपका, आज देख भी लिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सामरी? कौन सामरी? क्यों बे छोकरे, तूने मुझे क्या अदारी मदारी समझ रखा है? मैं भारत के सबसे बड़े वीकली उल्टी गंगा का एडिटर प्रोप्राइटर हूँ। माफ कीजिए, मैं तो आपको मदारी समझा था। मदारी जी नहीं, हाँ बल्कि एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, एक महापुरुष जो घर बैठे सारी दुनिया को देख सकता है, जिसके हाथ में जाम है, जम है। बहुत समझदार लड़के मालूम होते हो। पिताजी ये वही आदमी है जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, यही मेरा बैग उठा कर ले गया था। हुजूर इसे मैं नहीं ले गया था, ये बैग खुद बखुद मेरे साथ चला गया था। सुना तुमने, ये बैग खुद बखुद चला गया था, ये तो उसे वापस लेकर आया है। ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है। पिताजी बैग के भी कोई पैर होते हैं जो खुद बखुद चला गया होगा, आप इसे नहीं जानते। देखिए ये मेरी आपकी दोनों की बात को झूठ समझ रही। क्यूरी लड़की, तू अपने बाप को भी झूठा समझती है? पिताजी ये आपका मेरा झगड़ा कराना चाहता है। क्यूरी लड़की? गुरुदेव सच की दुनिया नहीं, इसी को कहते हैं उल्टी गंगा। तो तुम्हारा मतलब है मैं भी इस उल्टी गंगा में बह गया हूं? सीरिय दास कबीर कह गए, क्या कह गए? रंगी को नारंगी कहे, नगमाल को खोया, चलती को गाड़ी कहे, ये देख कबीरा रोया। ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा?
जवाब दो हाँ के नहीं? नहीं। तो फिर सारी दुनिया से पहले तुम्हारे घर में दिवाली आ गई? नहीं। फिर ये पटाखे किस खुशी में छोड़े जा रहे थे? पिताजी वो नीचे वाला। जब देखो नीचे वाला, सारी दुनिया है जो ऊपर वाले की शिकायत करती है और तू है जो नीचे वाले के पीछे पड़ी हुई है। जिधर देखो उल्टी गंगा बह रही है। आना मरवा दिया ना, देख बुला लिया इंस्पेक्टर साहब। मेरी बात सुन, देख मैं जो कहता हूँ ठीक ठीक सुन, जो वो पूछेगा ठीक ठीक जवाब देना, अपनी तरफ से कुछ मत बोलना, समझा? आ जाना इधर की तरफ, इधर चलना। जी नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। अभी नमस्ते कर। नमस्ते जी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें याद किया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम है, बैठो। जी काम है मुझसे कि इससे? आजकल ये बहुत चालू है। सुनो, मुझे तुम दोनों से काम, तुम्हें गाना गाना होगा। जी गाना गाने वन टू मेरे पहले बात को समझने की कोशिश किया करो। अच्छा जी करते हैं, कर भी कोशिश पहले तो कर। बको मत, देखो आजकल चौपाटी पर जेब खतरों की बहुत भीड़ हो गई, रोज कई केस होते हैं, उन्हें पकड़ना है। जी पकड़ना है? क्या चुविधान लगा कर? तरकीब भी बताता, तुम बाहर बैठो तब तक मैं काम खत्म कर। जी बहुत अच्छा। पार्टनर। हाँ? माची से? बीड़ी भी नहीं है। ओ, बड़ी करके। हाँ भाई। हवलदार माचिस आहे काय? हवलदार बीड़ी आहे काय? अभी आदमी देख के तो बात किया कर। अरे वो देख, वो देख, वो स्टेशन वाला 420 यहां भी आया। अबे हाँ बे, हाँ ये तो वही है। हाँ हाँ, मैं अभी इंस्पेक्टर को खबर करता। अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठिए। इंस्पेक्टर राकेश, मुझे खुशी है आप यहाँ आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। लीजिए ये पढ़िए। क्या है? आपके बारे में हमारे दो आदमियों की राय। अच्छा, ये आदमी जो अभी आया है 420 है। वेरी इंटरेस्टिंग, कौन है ये लोग? अभी मिलवाता हूँ। लालू कालू, अरे कहाँ चले गए? लालू कालू, अरे कहाँ चले गए दोनों? हम यहाँ हैं साहब। अरे तो बाहर आओ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मुलाकात सब इंस्पेक्टर राकेश से करवाता। अरे आप इंस्पेक्टर हैं? थैंक यू सर। थैंक यू सर, घबराहट में उल्टा भूल गया। सॉरी सर। ओ सॉरी सर। आई एम वेरी सॉरी सर। मैं आपकी राय की दाद देता हूँ, लेकिन अभी हमने अपनी राय बदल दी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सीढ़ी के नीचे क्या कर बाहर आए? जी नहीं, हम यही ठीक है। हाँ राकेश, मैं तुम्हें सुपरिंटेंडेंट साहब से मिला दूँ। चलिए चलो। बम्बई पुरानी, कलकत्ता पुराना। बम्बई पुरानी, कलकत्ता पुराना। जैसे मेरी नानी जी, वैसे मेरे नाना। जैसे मेरी नानी जी, वैसे मेरे नाना। बम्बई पुरानी। देखो चौपाटी प्यार की, जीवन का प्याला भरे लैला बहार की। लैला बहार की चल चल
पे उसके जवानी निसार की, दिल की ढोलकिया पे गाते हैं गाना, जैसे मेरे नानी जी, वैसे मेरे नाना, बम्बई पुरानी, कलकत्ता पुराना, बम्बई पुरानी, कलकत्ता पुराना, जैसे मेरे नानी जी, वैसे मेरे नाना, जैसे मेरे नानी जी, वैसे मेरे नाना, बम्बई पुरानी। लोगों के मेले, मेलों में होते हैं जी लाखों झमेले, लाखों झमेले, गोरी गोरी सड़कों पे लोगों के मेले, मेलों में होते हैं जी लाखों झमेले, लाखों झमेले, दुनिया उसी की जो दुनिया से खेले, दिल्ली बनारस भी हम पे दीवाना, जैसे मेरी नानी जी, वैसे मेरे नाना, बम्बई पुरानी, कलकत्ता पुराना, बम्बई पुरानी, कलकत्ता पुराना, जैसे मेरी नानी जी, वैसे मेरे नाना, जैसे मेरी नानी जी, वैसे मेरे नाना, ओए बम्बई पुरानी। संभल के धोखा ना खाना यार, मंजिल पे चल के, मंजिल पे चल के, दिल वालों दुनिया में धंधा संभल के, धोखा ना खाना यार, मंजिल पे चल के, मंजिल पे चल के, दुश्मन फिरे हैं देखो भेस बदल के, लोगों की नजरों से बचना बचाना, जैसे मेरी नानी जी, वैसे मेरे नाना, बम्बई पुरानी, कलकत्ता पुराना, बम्बई पुरानी, कलकत्ता पुराना, जैसे मेरी नानी जी, वैसे मेरे नाना, जैसे मेरी नानी जी, वैसे मेरे नाना, जैसे मेरी नानी जी, वैसे मेरे नाना। अबे कालू, ये तो अपना यार राजू पकड़ा गया, जरा इंस्पेक्टर को बोले यार उसे छोड़ दे। बेटा उसके साथ वो मुझे और तुझे दोनों को अंदर कर देगा। मारे गए यार, हम समझे ही नहीं, इतनी आंख मारी, इतने इशारे किए और फिर भी बेटे ने पाकिट पे हाथ डाली दी। अब जाएगा बेटा बड़े? अबे जाएगा तो जाने दो, जरा हवा पानी बदल जाएगा। तो प्यारे भाई कैसे हो, सब मंचों को राम राम, सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत्सलियावान, कौन मोटू, तू क्या कर रहा है भाई, जल्दी खुल रहा यार, बहुत दिन हो गए लोगों से मिले हुए, दोस्तों से। यार तुम लोगों की मोहब्बत चैन थोड़ी लेने देती, ओ मंडू। तो आ यार, तू अभी तक नहीं गया, जाकर वापस आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। मैं कोई बेकार बैठने वाला हूँ गुरु, वो तो मालूम है। पगला भगत जी आ यार, बड़ा चर्बी आ गया है। ओ तुम भी, अरे लगन भी आ, मदन है, अरे यार तो मजा आएगा, अपने सभी पुराने साथी यहाँ मौजूद है। मोटू ये नया पंछी कौन है? प्यारे ये है अमर कैदी, इसको छोड़ो गुरु, ये अपनी टुकड़ी में नहीं मिलने वाला, ये ऊंची डाल का बैठने वाला है। अरे यार ऐसी भी क्या बात है, ने बड़े बड़ों से बकरे की बोली बुलवा दी है प्यारे, ये किस खेत की मोली? उस्ताद 12 साल गुजार दिए इसने हमारे साथ, पर बात किसी से नहीं करता। मंडू आखिर इसका कुछ आगा पीछा भी तो होगा, ये है कौन? तुम्हें याद होगा वो 12 साल पहले बंसीधर जौहरी का खून हो गया था, उसका ये पार्टनर है। बंसीधर? अरे वो केस तो मुझे ऐसे याद है जैसे कल ही की बात हो। अरे याद कैसे नहीं, मेरे दोस्त ने अपनी आंखों से उसका पूरा होते हुए देखा था। अरे बम
मैं पूछता हूँ कौन है वो, बताओ किसने देखा था। ये तो सचमुच का दीवाना मालूम पड़ता है। मैं पूछता हूँ किसने देखा है, बताता अमरू ने। कौन है अमरू, वो कहाँ मिलेगा, कोई एक ठिकाना हो तो बताओ। वो मस्करा आज यहाँ है और कल वहाँ। मैं पूछता हूँ वो कहाँ मिलेगा। हम दोनों पिक्चर देखने तो नहीं आए, जो अभी ले जाके बता दूँ, जेल में बैठे, तुम्हें उम्र कैद की सजा हुई है और मुझे 2 महीने की। अगर मेरे साथ चलना हो तो 2 महीने और सब्र करो। मैं तुमसे उसका पता पूछता हूँ, तुम्हारी राम कहानी नहीं। क्या अभी जा रहे हो, तो जाओ लालू कालू से पूछ लेना। कौन है लालू कालू। अरे वो भी दो हम जैसे चौपाटी पे रहते। क्या कहूँ उनसे, कहना मैंना क्या है, कहना तो छोड़ो यार। मैं बताता हूँ, ये अंगूठी हो, ये अंगूठी बता देना और कह देना कि राजा ने भेजा है, राजा ने। काम भारी था। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए ना सर, इस सड़क पे हर चलने वाला आपको आपका पीछा करता हुआ दिखाई देता है, ये आपकी नजरों का। बदतमीज। ओह, इसमें नाराज होने की क्या बात, अगर आप चाहती हैं कि मैं आगे चलूं तो ये लीजिए, आप मेरे पीछे पीछे आइए। आइए आइए, आप ही आइए। प्लीज कम। ये बावा, तुम्हारा बे जननी बच्चे के झगड़ो पिसात थयो छू बावा। आ तमे बे जना एकमेक ने केम गुरका गुरकी करो छो, कई समझ नहीं पड़ती। आप ही। माँ जी घर में है? कौन नीला, आओ बेटी, कैसे आई? पिताजी ने पैसे देने हैं। अरे गिन लीजिए। तुम तो गिन कर लाई हो। क्या पता, शायद मैंने ही रख लिए हो। पहले बहुत रख लिए, जॉब रख लो। किसकी तस्वीर है माँ जी? मेरे अच्छे दिनों की। तुम बैठो बेटी, मैं अभी चाय बना के लाती। चाय बनाने की जरूरत नहीं है। अरे तो भी अभी लाती। जी नमस्ते। कमाल, जहाँ जाता हूँ आप मौजूद। तुम्हारी इतनी हिम्मत, घर में घुस आए। आप ही बताइए मैं सड़क पे कितनी देर रह सकता हूँ? सड़क पर नहीं रह सकते तो इस तरह किसी के घर में घुस जाओगे? बदतमीज कहीं के। माँ जी। क्या हुआ बेटी? माँ जी इस गुंडे को देखिए, कब से मेरा पीछा कर रहा है और अब घर में घुस आया। माँ जी कहीं का। नमस्ते माँ जी, कैसी हो आप? तो तबीयत ठीक है ना माँ जी? अच्छी। माँ जी आप इस गुंडे को पहचानती हैं? माँ जी आप गवाह हैं ना, ये एक शरीफ आदमी को गुंडा कह रही हैं। मैं इन पर इज्जत हत्या का दावा करने वाला हूँ। हाँ। अरे तुम तो झगड़ने लगे,
लाओ मैं ठीक से पहचान करा दूं। बेटी, जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे ये मेरा बेटा है। बड़ा ही शरीफ लड़का है। कल रास्ते में मेरी मोटर से टक्कर हो गई तो इसने ही मेरी देखभाल की और घर पहुंचाया। मां जी, आप तो खामखा मेरी तारीफ कर रही हैं। देवी जी, मुझे राकेश कहते हैं। और मुझे नीला। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाती। माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आज तो मैं इन्हीं के हाथ की बनी हुई चाय पीऊंगा। अच्छा तुम लोग चाय पियो, मैं अभी आती हूँ। चलिए। नया साल शुरू हो रहा है, इस खुशी में मैं तुम्हें तोहफा देना चाहती हूँ। ये कार्ड मैंने अपने बेटे की तस्वीर सामने रख के बनाया है। आज वो भी तुम्हारे बराबर का होगा। जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे उसकी याद आती है। लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा माँ जी, मुझे भी इजाजत दीजिए, काफी देर हो गई। ओ, फिर वही मुसीबत। क्या हुआ? कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट। अगर ये आगे गई और मैं पीछे गया तो कहेंगे पीछा कर रहा है, गुंडा मवाली बदमाश वगैरह वगैरह। और अगर मैं आगे गया। और भी तो एक तरीका है। वो क्या? इकट्ठे भी जा सकते हो। हाँ, अगर आप कहती हैं तो मुझे मंजूर है। आपका क्या ख्याल है देवी? कोठे ऊपर वो खड़ी थी, कान में डाले वाले तो खलकन सारी देखन लागी, चांदी और हाले तो। इसका मतलब? इसका मतलब ये चांदनी, ये खुशनुमा मंजर और ये तन्हाई, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। ये क्या पागलपन है, कोई देख लेगा तो? अच्छा जी, यानी कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? अगर तुम्हें बदनामी का डर है तो मैं चलता हूँ। आप क्यों जाते हैं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। सुनो जी एक बात, तुम हमारा दिल हुआ है तुम। हो तुम्हारी जलवगाह में मधुर मधुर निगाह में मिलन की मस्त राह में। सुनो जी एक बात तुम। ओ, 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 न छेड़ मुझको फिर नजर किसी की, मुझको क्या खबर। मैं अपने दिल का राग हूँ, मैं जिंदगी का ताग हूँ, बचा गई तो आग हूँ। ओ, ओ, न छेड़ मुझको फिर नजर किसी की, मुझको क्या खबर। राज खोलिए, आज से आपके हम तो हो लिए। ऐसी बातें आपसे कहिए, ध्यान के गए होश में रहिए। ओ, 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 सुनो जी एक बात तुम, हमारा दिल हुआ है गुम। हो 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 तुम्हारी जलवगाह में मधुर मधुर निगाह में मिलन की मस्त राह में। ओ, ओ, सुनो जी एक बात तुम, हमारा दिल हुआ है गुम। आप अगर
ना हम पे हंसते कैसे बसते प्यार के रस्ते सुनो जी एक बात तुम हमारा दिल हुआ है तुम हो तुम्हारी जलवगाह में मधुर मधुर निगाह में मिलन की मस्त राह में ओ ओ सुनो जी एक बात तुम हमारा दिल हुआ है तुम दिया। और भी डराएंगे आप इस तरह अंधेरे में अकेली क्यों बैठी है नया बरस है और एक दिया भी नहीं जलाया देखो तो नया बरस तो बच्चों के लिए होता है बेटी मेरा क्या तुम दोनों घूमो फिरो खुशी मना जरूर खुशी मनाएंगे लेकिन आपके साथ लेकर क्यों और नहीं तो क्या मेरी फिक्र न करो बेटा वाह फिक्र क्यों ना करें चलिए आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए हाँ माँ जी हम तुम्हें लिए बाबा बिल्कुल नहीं आएंगे लीला तुम जल्दी से तैयार करो मैं दिए जलाता हूँ चलिए अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूं मेरी अमानत संभाल कर रखना इससे ये कभी महसूस न होने देना कि अनाथ है और ना ही कभी से ये बताना कि इसके मां बाप कौन थे मैं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी राधा तुम्हारा मुन्ना मेरा मुन्ना है तुम दिल छोटा मत करो हिम्मत रखो भगवान ने चाहा तो ये दिन भी कट जाएंगे पूर्णिमा राधा तुम यहां हां मुझे आना पड़ा बेचारा हमारे क्लब की अप्सराओं का नाच देखने आया होगा नाच देखने नहीं अपना नाच दिखाने आया हूँ वंडरफुल अपना एक आइटम और बढ़ गया मिलाओ हाथ तुमसे कहा था यहाँ कभी मत आना मैंने फोन किया आप नहीं मिले मुझे मजबूरन आना पड़ा वो हार कहाँ है हार अरे ये बेचारा तो हार जीत के चक्कर में है तुम सपना तो नहीं देख रहे हो देख रहा था मगर अब होश में आ गया हूं कहो तो फिर भी होश कर दे दिल लगी छोड़ो वो हार लाओ उस एडिटर को पता चल गया है कि उसका हार नकली है उसे समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से वापस किया है वो कल फिर आएगा दीवाने तो नहीं हो गए वो हार तो आगे गया अब कैसे वापस आ सकता है मैं कुछ नहीं जानता वो हार तुम्हें वापस लाना पड़ेगा हार ना आया तो क्या करोगे मजबूरन मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा मैंने कहा गुरु हार आगे गया तो इसको भी आगे भेज दो मैं अपनी जबान बंद नहीं रखूंगा तुम मुझे आगे भेजोगे मैं तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा अरे तुम तो अच्छे से ही उखड़ गए प्यारे तुम कहो तो तुम्हारे साथ साथ जहन्नम तक चलने को तैयार है आखिर बेचारा हार के साथ साथ खुद भी चलती है गंगू ऊपर आओ जरा जल्दी
जानने वालों में से कोई भी नहीं है। जिगर देखो उल्टी गंगा बह रही है। दास कबीर कह गए। अरे तुम, आप चाहें तो मिस्टर घासवाला से मिल सकते हैं, इस वक्त वो ड्यूटी पर है। मैं पूछता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये वर्दी क्या चोर बाजार से खरीदी है? पिताजी। अरे बेटा, ये वही लड़का है जो अपने पड़ोस में रहता है। हाँ, मगर आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? जो अपने पड़ोस में रहता हो क्या वो पुलिस में नहीं हो सकता? इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से मालूम था? अरे छोड़िए राय साहब, कहाँ आप भी मालूम न मालूम के चक्कर में पड़ गए। आइए ना, आइए बाहर के लिए खड़े आइए। तशरीफ रखिए। थैंक यू। फरमाइए कैसे आना हुआ? मेरे साथ एक 420 हुई है जिसकी कंप्लेन लिखवाने में यहाँ आया हूँ। 420? जी हाँ। किस तरह? मैंने एक हार नानक चंद जौहरी को बनवाने दिया था, बदले में उसने मुझे नकली हार दे दिया। एक मिनट ठहरिए, अब कहिए जौहरी का नाम क्या है? नानक चंद। हार कब दिया था आपने? करीब 15 दिन हुए। वो नकली हार आपके पास है? जी नहीं, वो नकली हार उसने मुझसे वापस ले लिया। कहता था भूल हो गई, धोखे में उसने मुझे नकली हार दिया, मगर असली हार वो बहुत जल्द वापस कर देगा। फिर ये तो कोई केस ही नहीं। केस नहीं जी, इधर देखो उल्टी गंगा बह रही है। आप वो हार तो ले आइए, गंगा सीधी बहा देंगे। मगर मैं वो हार लाऊं कहां से? वो आदमी ही गायब है। कौन? वो जौहरी? जी हाँ, कई दिन से लापता है। ऐसे देखिए, मैं आपकी कंप्लेंट लिखे रहता हूँ, लेकिन अगर आपको उसका कोई पता चल जाए तो मुझे खबर कर दीजिएगा। जरूर, क्यों नहीं। अरे बेटा, तुम तो मेरे पड़ोसी हो, मैं तो आधी रात को भी तुमको कह सकता हूँ। एनीवे, थैंक यू। यस सर। चलो बेटा।
बैठने का मौका नहीं। इंस्पेक्टर साहब जल्दी में। हाँ जी नहीं, ऐसी भी कोई खास जल्दी नहीं। कहिए क्या खातिर करूं? आपको हीरे पहनने का बहुत शौक मालूम होता है। अजी जनाब, ये तो खानदानी जौहरी हैं। ये हीरा आपने कहां से खरीदा था? ये इस वक्त कुछ याद नहीं। अजी, लाखों के धंधे में दिमाग फंसा हो तो छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती। इंस्पेक्टर साहब, आप भी मसरूफ आदमी हैं और मैं भी। मेरा एक खास अपॉइंटमेंट है। मेरा ख्याल है कि आप किसी जरूरी काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं, वो कर लीजिए तो मैं इजाजत चाहूं। नानक चंद जोहरी को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। नानक चंद? आप आखिरी आदमी हैं जिसे उसने 3 रोज पहले आखिरी फोन किया था। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो मिलने वालों की सूरत याद नहीं रहती, भला फोन करने वालों का नाम क्या याद रहेगा? ये तो तफरी की जगह है, सैकड़ों आते हैं सैकड़ों जाते हैं, भला किस किस को याद रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। आपको तकलीफ दी इसकी माफी चाहता हूं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी भी क्या बात है। देखिए, अगर उस आदमी का पता चल जाए तो मुझे भी इतला कीजिए। उसने क्या फोन किया था मैं भी मालूम करूंगा। मेरा ख्याल है कि परसों जब उसका फोन आया था मैं यहां मौजूद नहीं था। जरूर। ऑल इंडिया रेडियो बंबई है, अब आप हिंदुस्तानी में खबरें सुनिए। कल रात सेंट्रल जेल से एक उम्र कैदी फरार हो गया है, पुलिस उसे पकड़ने में अब तक नाकामयाब रही। आज दरिया से एक आदमी की लाश मिली, बहुत देर तक पानी में पड़े रहने से सूरत बिगड़ गई है। लाश किसकी है अब तक पहचानी नहीं जा सकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नानक चंद की लाश ऊपर आ गई हो? क्या बात करते हो, थैले के साथ इतना वजन बंधा था कि ऊपर वाला भी नीचे आ जाए। फिर भी देख लेना जरूरी है, हो सकता है कि थैला फट गया हो। चलो मेरे साथ आओ। हेलो इंस्पेक्टर, आप यहां क्या कर रहे हैं? यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। मेरा जवाब तो बिल्कुल सीधा है, मैं तो आपकी खिदमत करने आया हूं। मेरी खिदमत आप करें ना करें, किसी दिन मैं आपकी खिदमत जरूर करूंगा। क्यों नहीं, जरूर कीजिएगा। आप मेरा मतलब नहीं समझे, मैं तो लाश को पहचानने आया था। सोचा हो सकता है कि मैं नानक चंद को नाम से ना पहचानता हूं, लाओ उसकी सूरत ही देख लो। फिर पहचाना आपने? नहीं, बाद उन पानी में पड़े रहने से सूरत बिगड़ गई है। ऐसे इंस्पेक्टर, आप मुझे अपना खादिम ही समझिएगा। मैं आपकी हर खिदमत बजा लाने को तैयार हूं, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे फौरन बुलाइएगा। इंस्पेक्टर साहब, जरूर बुलाइएगा। बाय बाय टाटा। साहब, वो भागे हुए कैदी की पत्नी आ गई। आप? हाँ, मैं ही वो बदनसीब औरत हूं जिसे आपने बुलाया है। हाँ,
आई एम वेरी सॉरी। मुझे किस लिए बुलाया है? दरिया से एक आदमी की लाश मिली और किनारे पर जेल से भागे हुए कैदी के कपड़े मिले। ख्याल है वो आपके आपके पति की लाश है। आपको पहचानने के लिए बुलाया है। चलिए। बेगुनाही साबित कर सकता हूं। बेगुनाही कैसे साबित हो? आप तो और गुनेगार हो गए। जेल से भागने के जुर्म में पुलिस आपको फिर से पकड़ेगी। मुमकिन है इस तरह आपकी जिंदगी और खतरे में पड़ जाए। अब मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं राधा, अपने उस बच्चे की जिंदगी का ख्याल जो माँ बाप के होते हुए भी यतीम हो गया। उसका बाप खूनी समझा जाता है, इसी डर से हमने उसे अपनी गोद से उठाकर दूसरे की गोद में डाल दिया। आज मैं उसे अपनाने आया, उसके सर से बदनामी का दाग मिटाने आया। तबीयत खराब है और कहती हो ठीक हो? चलो 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 ले जाओ। हाँ चलो। क्या हुआ, क्या हुआ मांझी को? तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं। कमजोरी से आ गए हैं। थोड़ा सा पानी पिला, मैं ले जाता हूँ। मुझे पानी नहीं चाहिए। क्या हुआ मांझी, क्या हुआ? नहीं ठहरो, मैं एक प्याली चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं मैं अभी आती हूँ, अभी आ जाओ। घबराइए नहीं मां जी। हिम्मत से काम लो, डरने की कोई बात नहीं। नीला भी चाय बना के ले आती।
मेरे अच्छे दिनों के। लो ये नीला आ गई। भाई आप भी क्या हैं? घर में ना चाय है ना शक्कर। मैं अभी दो मिनट में ले आता हूँ। रहने दो माजी, आप घबराइए नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगी। क्या नहीं कहेगी? यही कि हमारी माजी इतनी गरीब हैं कि उनके घर में चाय है ना शक्कर। चलो माजी को आराम कर लेने दो, हम थोड़ी देर में सब सामान लेकर आते हैं। अरे चलो, चलो, चलो। मगर सुनो तो सही, मैं ले आता हूँ ना, तुम यही ठहरो। मुझे एक जरूरी काम है, वो भी करते आएंगे। लेकिन माँ जी, माँ जी की तबीयत ठीक है क्यों माँ जी? हाँ बेटी जाओ, तुम अपना काम कर दिया जाओ। सुन लिया ना, अरे मेरे मुंह क्या देख रहे हो? चलो जो अभी अंदर आई थी। नीला बड़ी अच्छी लड़की है, मेरी बेटी की तरह। मगर उसने मुझे देख लिया। घबराने की जरूरत नहीं, वो किसी से नहीं कहेगी। और वो पुलिस इंस्पेक्टर? वो भी अच्छा लड़का है, राकेश नाम है उसका। कुछ भी हो उसका यहाँ आना बंद कर। मगर वो अगर मगर कुछ नहीं, अगर तुम ये चाहती हो मैं यहाँ आऊँ तो ये दोनों यहाँ नहीं आएंगे। आपकी यही खुशी है तो मैं मना कर दूंगी। अच्छा मैं अब चलता हूँ। कहाँ जाएंगे आप? मुझे उस आदमी की तलाश है जो मैं। अच्छा मैं फिर आऊंगा। राधा, 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 मेरी बात सुन राधा। राधा, राधा, मैं तुम्हारी ही खोज मारी हूँ। राधा, जाकर राकेश को बुला कर लाओ, वो इस वक्त पुलिस स्टेशन पर होंगे। अच्छा बहन जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी उन्हें बुला कर आता हूँ। राधा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही खोज में यहाँ आई थी। राकेश ने मुझे जो कार्ड भेजा था, मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि वो उसे तुम्हारे सिवा कोई नहीं भेज सकता। हाँ, मैंने उसे दिया था। अब मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं, डॉक्टर पहले ही जवाब दे चुके हैं। ऐसा ना कहो पूर्णिमा, तो अच्छे हो जाओगे। अच्छे होने की उम्मीद होती तो तुम्हारी खोज में यहाँ आती ही क्यों। राधा, अब तुम ये अपनी अमानत वापस ले लो। अगर मैं उसे बिना बताए चली गई, उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई, फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? नहीं नहीं पूर्णिमा, ये मैं अभी नहीं कर सकती। इस अमानत को मैं अभी वापस नहीं ले सकती। उसे जब तुम्हारी गोद में डाला था, उस वक्त जो मुसीबत का पहाड़ मेरे सर पर टूट पड़ा था, वही पहाड़ आज भी मेरा रास्ता रोके खड़ा। मुझ पर एक एहसान और कर दो पूर्णिमा, कुछ दिन और इस रात को राज रहने दो, शायद इस अंधेरे में कोई उजाले की किरण नजर आए। मैं कोशिश करूंगी राधा, मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं। राकेश, कुछ देर तो इंतजार किया होता माँ, यूं ही अकेला छोड़कर चले गई। अब मैं किसे माँ कहकर पुकारूंगा? माँ,
आओ नीला। मुझे बड़ा अफसोस है राकेश कि देखते ही देखते ये सब क्या हो गया। शायद जिंदगी इसी का नाम है नीला, आज खुशी कल गम। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी में खुशी आती ही नहीं, और आती भी है तो बहुत देर ठहर नहीं पाती, जैसे कि मैं। ऐसी मुर्दा दिली की बातें ना करो राकेश, वक्त के साथ हर घाव भर जाता है, और अभी तो तुम्हें दुनिया में बहुत कुछ करना है। मैं खुद भी यही समझता था, मगर आज वो ख्याल भी दिमाग से निकल गया। अब मुझे सिर्फ एक ही हस्ती का ख्याल है। कौन है वो? राधे माँ। वो बेचारी कब से अपने जख्मों को छिपाए फिरती थी, आज का एक नकाब उठ गया। दुनिया को ये मालूम हो गया कि वो कातिल की बीवी, साथ के साथ वो बेचारी विधवा भी हो गई। मुझे अफसोस, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो राकेश। तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम उनके पति को बेगुनाह साबित कर सकते हो, मुझे मालूम है वो कातिल नहीं है। अगर तुम ये बात इस ख्याल से कहती हो कि राधे माँ के माथे का कलंक छूट जाएगा, वो दुनिया के सामने सर उठा के चल सकेंगी, तो और बात है, वरना उन्हें बेगुनाह साबित करने का कोई फायदा नहीं। अब तो वो मर ही चुके हैं। नहीं राकेश, वो नहीं मरे। क्या? वो जिंदा है, मैंने खुद उन्हें देखा है। क्या कहा? राधे माँ के पति जिंदा है? हाँ राकेश। तो इसका मतलब है राधे माँ ने झूठ बोला, धोखा दिया। कहाँ जा रहे हो, क्या करना चाहते हो? मुझे केस फिर से शुरू करना पड़ेगा, मैं राधे माँ के पति को गिरफ्तार करूंगा। नहीं राकेश, तुम ऐसा नहीं करोगे। ये फिर मैंने तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर समझकर नहीं बताया, एक दोस्त, एक इंसान समझकर बताया है। तुम्हारा मतलब है मैं झूठ बोलूं, कानून को धोखा दूं, अपना फर्ज पूरा ना करूं? तुम जानती हो मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। क्या तुम हमेशा पुलिस इंस्पेक्टर ही रहते हो, कभी इंसान नहीं होते? अगर तुमने उन्हें गिरफ्तार किया राकेश, तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारी सूरत ही देखूंगी। अगर तुम्हारी मोहब्बत मुझे अपना फर्ज पूरा करने से रोकती है, मुझे बेईमान और नमक हराम बनाना चाहती, तो मैं भी इसे दूर ही रहना चाहता हूं। ओ पिया जाना ना, ओ पिया जाना ना, ओ पिया जाना ना, ओ पिया जाना ना, मेरी रातों की नींदें उड़ाना ना, ओ पिया जाना ना।
राकेश आओ आओ बेटा, क्या बात है? माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। हाँ हाँ, जरूर पूछो बेटा, बैठो। देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, अगर गलत जवाब दिया तो मुझे तकलीफ होगी। नहीं बेटा, गलत जवाब क्यों दूंगी, मगर ऐसी क्या बात है? क्या ये सच है कि आपके पति जिंदा है? आपने पुलिस को गलत बयान दिया, आपने कहा कि वो मर गए, लेकिन वो मरे नहीं, जिंदा है। बताइए, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो ठीक है ना? वो जिंदा है, मगर मैं सच कहती हूँ बेटा, वो बेगुनाह है, उन्होंने किसी का खून नहीं किया। सोचिए तो सही, ये आपने क्या किया? एक तरफ आप, दूसरी तरफ फर्ज, एक तरफ जज्बात है, दूसरी तरफ अक्ल। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, अब फर्ज को भूल जाऊं या आप, ये आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? यस सर इंस्पेक्टर। सर, वो जेल से भागा हुआ कैदी जिसके बारे में ख्याल है वो मर गया, मैं उसके कागजात वापस लेना चाहता हूँ। क्यों, वो केस तो हमने फाइल कर दिया। मैं इस केस को फिर से शुरू करना चाहता हूँ, मुझे यकीन है वो कैदी अभी जिंदा है। जिंदा? तो फिर वो लाश किसकी थी? इसका जवाब मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। ऑलराइट, कैरी ऑन, लेकिन मुझे हालात की खबर करते रहना। वेरी वेल सर। सब लोग मालिक के नाम पे जरा ताली बजाओ और जोर से। मेहरबान लोग, आपने बड़ा बड़ा कमाल देखा होगा, लेकिन आज तक कमाल न कभी देखा है न सुना होगा। हाँ से, ए बाबू जरा पीछे हट जा, पीछे हट जा छोकरा। हाँ तो मेहरबान, आप पूछेगा वो कमाल क्या है? वो कमाल ये है कि ये छोकरे तो हम बंगाल से पकड़ के लाया है आप लोगों के मन का बात बताने के वास्ते। छोकरा आइए, हम जो पूछेगा बताएगा, मर्जी में आएगा बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। ए खच्चर, धंधे में मस्करी करता है। छोकरा आओ। आइए। ए बाबू की शर्ट का कलर बोलो। नाले। ए बाबू के सर पे क्या है? कुछ भी नहीं है। कैसे पहचाना? ताबीज के जोर से पहचाना। देखो मेहरबान, बच्चे लोग जरा ताली बजाओ। बहुत अच्छे। आज तो मेहरबान, आपने हमारा कमाल देखा। आप में से कोई भी सज्जन, कोई भाई अपने मन की चीज पूछने को मांगता है तो कोई चीज निकाल के हमारे हाथ में दो, हम बताएगा। छोकरा ये क्या है? टिकट है। ये आदमी कौन है और कहाँ से आया? एक कड़का है, थर्ड क्लास में बोरीबंदर से आया। ओके, तो मेहरबान, आपने जो पूछा हमारे छोकरे ने बताया, इस बात तो मालिक के नाम पे जरा जोर से ताली मारो। हाँ तो मेहरबान, आप में से कोई बैलेंस है पूछने वाला? जल्दी पूछो, गया वक्त फिर वापस आता नहीं और सदा दौड़ दौड़ा दिखाता नहीं। पूछो मेहरबान, जल्दी पूछो, है कोई पूछने वाला? छोकरा आगे। ऐ काली काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन न जाए खाली। छोकरा आ जा। एक क्या है? अंगूठी है। किसकी है? वो कहाँ से आया? बड़े घर से आया। बड़े घर से आया? अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? ओ साहब बड़ा है, बड़े घर से आया होगा मेहरबान। नहीं नहीं, जेल से आया। अबे जेल से आया, फिर झूठ बोलता है, दुखे एक लाफा। छोकरा तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, भाई साहब मेहरबानी, अंगूठी किसका है भाई? किसका अंगूठी है ये? ओह माफ करना भाई साहब, लड़का कुछ घबराहट में उल्टा सीधा बोल गया। अरे और कोई पूछो मेहरबान, पूछो मेहरबान, और कोई? पूछो पूछो, बोरी बिस्तरा बिस्तरा, बोरी बोरी बिस्तरा बिस्तरा, बोरी। ए सुनो, इसे पहचानते हो? अरे हाँ, ये तो हमारी यार राजू की अंगूठी है। अरे वो तो जेल में है। चुप, मैं जानता हूँ। कैसा है वो? वो बिल्कुल ठीक। क्या उसने आपको भेजा है? हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? अबे चुकना, देखता नहीं अपने यारों के यार आए। साहब बोलो साहब, क्या काम है, हम करेगा आपका काम? मुझे कमरों की तलाश, बताओ वो कहाँ मिलेगा? कमरों की तलाश? अरे साहब उसका एक पता हो तो मैं आपको बताऊँ, वो तो इधर उधर फिरता रहता है, फिर भी हम आपके लिए ढूंढ के निकालेंगे। आओ हमारे साथ। तुम देखो
कमरू डमरू अबे डमरू नहीं कमरू अबे क्या कर रहे हो अबे हाथ निकाल सब ये मेरा घर का मामला है समझा ये मेरा शाला है अबे तू तो कहता था मेरा दुनिया में कोई नहीं है अरे नहीं भाई मैं सच बोलता हूँ ये मेरा कोई नहीं है झूठ मत बोल निकाल गोली गोली निकाल गोली के बच्चे हट गोली निकाल कितनी गोली पी थी नहीं करो नहीं है ये सब चलती अबे खोलना कमरू है कमरू नहीं झुमरू है झुमरू कौन उसका दोस्त हाँ कहाँ है वो रहा ओ भाई झुमरू से ओ झुमरू से बाबा क्या हाल है कमरू कहाँ है क्या तू उसका कोट लेने आया है कोट दो महीने से कोट रख के गया अभी तक नहीं आया तुझे कोट लेने आया तो पैसे रख ए भाई मेरे काय को गले पड़ता मैं तो खुद उसको ढूंढने के वास्ते आया हूँ दस रुपए की चाल ये दस रुपए की चाल सारा तब तक देख के बात करता है मैं तेरी हड्डी बसरी ना कर दूंगा अरे आप सिंगल बसरी बाबू काका यहाँ तो नहीं है चलो काका चलो मेरा दिल का फसाना कोई न जाना दिल का फसाना कोई न जाना अपनी खुशी में यहाँ झूमे जमाना अपनी खुशी में यहाँ झूमे जमाना दिल का फसाना कोई न
घर घर में डाल दिया, वो तो यहाँ भी नहीं है। बेटी बजा के कुछ कमा लेता था। वो तो ठीक है यार, कुछ सोचना। तू सोचना यार। अरे तू सोचना। अरे तू सोचना यार। अरे तू सोचना। हम दोनों सोचेंगे। मैं भी ये बोल रहा था। सोच यार। याद आ गया। सामना।
बेखुदी का सामना, कैसे बेखुदी का सामना, देखो अपने दिल को थामना, कैसे बेखुदी का सामना, कैसे बेखुदी का सामना। ओ इधर आ। कौन है? कौन है? तुमसे जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। बताओ वो जेल से भागा हुआ कैदी तुम दोनों को साथ लेकर क्यों फिरता है? उसे किसकी तलाश है? झूठ बोलोगे तो गोली से उड़ा दूंगा। जी झूठ बोलने की तो हम दोनों को प्रैक्टिस नहीं है। पहले थी अभी छूट गई। छूट गई वो सेठ, तुम्हारी टाई कितनी प्यारी है। सीधी तरह जवाब। सॉरी सेठ। उल्लू तुझे कितनी बार कहा है कि किसी के टाई को हाथ मत लगाया कर, लोग समझते हैं कि गिरेबा में हाथ डालता है। मगर इस टाई सूट के साथ बहुत मैच करती है। तो बैठो, इनकी ड्राई क्लीनिंग कर दो, तब बताएंगे ठीक बात। जरूर कर पार्टनर। किसको? सेठ, ओ सेठ, आप कितने हसीन। करेक्ट। शट अप। बताते हो या नहीं? ओ तो ऊपर वाले जाना। बताते बताते सेठ बताते। वो कैदी किसी कमलू नाम के आदमी की तलाश में है। अब आ गए रास्ते पर। क्यों तलाश में? जी ये तो हमें नहीं मालूम। तुझे मालूम है पार्टनर? देखा नहीं फिर झूठ बोला। कुछ देर इन दोनों को यहाँ की हवा खाने दो गुरु, अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। जी ऐसा मत कीजिए, हमको यहाँ के रास्ते पता नहीं है गुरु। ले जाओ। ठंडे दिल से सोचिए हम मर जाएंगे। देखिए हम आपके बच्चे, आप हमारे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। ठंडे दिल से आपके बच्चे। इनकी अच्छी तरह खातिर कर। थैंक यू। ख्याल रहे ये भागने ना पाए। ओ जी बिल्कुल नहीं भागे। डोंट वरी, सुनिए तुमने खाने का और सोने का अच्छा इंतजाम कर दो। बिल्कुल कर सर। पार्टनर ठीक है चलो। थोड़ी देर अंदर की हवा खाने के बाद दोनों के होश ठिकाने आ जाएंगे। Yeah.
जानते थे ना कि तुम आओगे। क्या बात है, हमारी रिश्ती भैया को बचाओ। काका, ओ काका, यहाँ कहाँ ले आए हमें? हम तो समझते थे होटल में ले जाके कुछ खिलाओगे पिलाओगे। वो भी करूँगा बेटा, पहले ये बताओ वो लोग तुम्हें वहाँ क्यों पकड़ कर ले गए थे? वो भी तुम्हारी तरह खातिर ही करने ले गए थे और कहते थे तुम दोनों बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हें बिरयानी खिलाएंगे। ठीक ठीक बताओ वो तुम्हें वहाँ क्यों ले गए थे? बताते, अबे बताते, काका नाराज हो गया। वो कमरों का पता पूछ रहे थे। कमरों? उन्हें भी कमरों की तलाश है? इसका मतलब है तुम दोनों को अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अरे काका ये क्या कर रहे हैं आप? काका तुम तो बोल रहे हैं काका नहीं, काका नहीं, काका नहीं, काका नहीं, काका नहीं, काका नहीं, काका नहीं। मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ ये सलूक करना पड़ रहा है, मगर मैं मजबूर। जब तक मुझे कमरों का पता नहीं मिल जाता तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अगर तुमने जरा भी गुलछोर मचाया तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। देख बे, इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अब खजूर में से तो निकलने की कोशिश कर। बेटे वही तो कर रहा हूँ मैं। जल तू जलाल तू, आई बला कुटाल तू, साहेबे कमाल तू, आई बला कुटाल तू। एक दो तीन, एक दो तीन। अबे वो लंबा आदमी जिसने हमको तहखाने में बंद किया था। हाँ बे, देख अबे दर्द करेगी क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरे को सभी लंबे आदमी नजर आते? पार्टनर मुझे बहुत डर लगती, प्लीज बता। बात तो ठीक है यार, चीते और हाथी के बीच में हम लोग गिदड़ बन गए। अबे फिर भी मौत मारे जाएंगे, अबे फिर कुछ सोच। अरे इतने जल्दी में क्या सोची यार, तू तो मुसीबत खड़ी कर देता है। इसका मतलब हमारा कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना? पार्टनर मिल गया ठिकाना। क्या थाना? अबे थाना नहीं, उसकी दूसरी ब्रांच जेल खाना। आ मेरे साथ। तो जल्दी चल यार, जल्दी चल। क्या चाहिए आपको? हाँ क्या है भैया आपके पास? कहाँ ले चले? छतरी आपकी थोड़ी है। अब्दुल बदमाशों को छतरी वाले साहब को बुलाओ। अरे छतरी वाले साहब को क्या, पुलिस को बुलाओ, हवलदार को बुलाओ, नंबरदार को बुलाओ, सूबेदार को बुलाओ, जमादार को बुलाओ, थानेदार को बुलाओ, सुपरिंटेंडेंट को बुलाओ। भाई क्या झगड़ा मचाया? ये छतरी आपकी है? हाँ भाई मेरी है। ये छतरी आपकी है? हाँ जी। तो बुलाइए पुलिस को, बुलाइए हवलदार को, बुलाइए थानेदार को, बुलाइए बुलाइए को। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अगर ये छतरी आपकी है ना तो आप ही रखिए, मुझे भी तो बसने से मिली थी। अच्छा नमस्ते। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हुई। बैठिए चाय पीजिए। नहीं तो कुछ ठंडा लीजिए। नहीं तो फिर क्या चाहिए आपको? जेल। चल बेटा चल। पार्टनर आप क्या करें? प्यारी कहते हैं हिम्मत है मरद, मरद जेल में। हाँ क्या बात हुई?
हमको आप ही की तलाश थी। क्या बात है? देखिए अभी पता चल जाता है। एक एक करके बोलो। हल्दार साहब चोपड़ी निकालो और रिपोर्ट लिखो। देखिए हमारी क्या बात है। बाल गुंडे पक्के बदमाश है, रमी बदमाश है। हल्दार साहब अब तो आपको यकीन हो गया, अब हम दोनों को जेल के अंदर कर दो। क्या सच है? क्यों क्या बात है? सलाम एम साहब, ये कौन लड़के हैं? ये मवाली रस्ते में धमाल करते हैं। मवाली नहीं, भूखे मालूम होते हैं। क्यों बच्चों? नहीं मैम साहब, ये बदमाश है, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं इन्हें छोड़ दो, मैं सब ठीक कर लूंगी और तुम्हारे अफसर से भी बात कर लूंगी। बहुत अच्छा, चलो बच्चे चलो। हवलदार साहब ये कौन है? ये बड़ी सोशल वर्कर है, तमाम ऑफिसरों को जानती है। अच्छा, रास्ते में लड़ाई झगड़ा करना शरीफों का काम नहीं, ये बहुत बुरी बात है। आओ तुम्हें भूख लगी होगी। जय हरि जी पंडित जी। जय राम जी। क्या जय शंकर। अच्छा ई नगीना बारा ने कहा ससुर? ओ देखो पंडित जी देखो। अरे देखो का भैया जी? भाई सामना इनके बारा ने मैं दूंगी, वो जो कुछ भी खाना चाहे उन्हें और दे दो। समझन पड़ी कि नहीं पड़ी? अरे चल चल आओ भाई बैठो। हमरा का तू भी क्या चक्कर में कहा तो पड़ गई भाई? बैठो बैठो बैठो। दे तो अरे तुमका भी लड्डू दे था भाई ने। हाँ ये पूरी देखो। अरे यार ये तो एकदम बाकी है। भैया ये लड्डू दे। अरे इसमें तो एकदम घासरे की बू आती है, अर्थात केरासीन की बू आती है। मैडम आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये बहुत अच्छे लड़के हैं। अच्छे आदमी है इंस्पेक्टर साहब, किस चक्कर में है आप? हम तो बहुत ही बुरे आदमी है। क्यों बे? अबे हाँ क्या बे? हम तो बहुत नम्री है, जहाँ भी जाते धमाल करते हैं और आगे करेंगे। देखा आपने, मैं खुद इनकी मदद करना चाहती थी मगर ये दोनों इस कदर खराब हो चुके हैं सिवा जेल भेजने के इनका कोई इलाज नहीं। हम तो खुद जेल जाना चाहते हैं, बाहर रखे क्या है? देखा देखा आपने? आप इत्मीनान रखिए, मैं इन्हें ठीक किए देता हूँ, आप जा सकती हैं। क्या भाई बंदर बोल, असल बात क्या है? जानबूझकर अंदर क्यों जाना चाहते हो? अरे क्या बताए सर? अरे क्या बताए साहब, सर छुपाने की अब कोई जगह ही नहीं। अब तो जेल का ही आसरा है। मगर क्यों? उधर जाते हैं तो शेर, इधर जाते हैं तो चीता, दोनों हाथी के हाथी है। कौन? नाम नहीं मालूम, कुतुब मीनार की तरह लंबा है, जब देखो आके पकड़ लेता है, पूछता है बताओ कमरू कहाँ है। क्या बहुत लंबा चौड़ा है? जी एकदम देव है। और कमरू को पूछता है? हाँ मालूम नहीं कमरू के पीछे क्यों पड़ा। वो जो हमारे यार थे ना राजा, जो आजकल जेल में है, उसकी सिफारिश लेके आया है। सुनो वो अब तुम्हें कब मिलेगा? अरे ये पूछो कि वो कब नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब उससे जान बचाने के लिए तो हम जेल में जाना चाहते थे। देखो उसे कहना आज रात ठीक 11 बजे कमरू तुम्हें पुरानी मिल में मिलेगा। है? कमरू मिलेगा? मगर कमरू है कहाँ? अबे कहीं भी हो। इंस्पेक्टर साहब कमाल कर दिया आपने, हमारी तो बोलती बंद हो गई थी, हमारी आपने जान बचाई, थैंक यू वेरी मच। अबे थैंक यू बोल। थैंक यू थैंक यू। रोनालो कालो तुम मेरा काम करके फौरन वापस चले आओ। तुम्हें तुम्हारी गुंडागर्दी के लिए क्या सजा देनी चाहिए इस पर गौर किया जाएगा।
अब जाओ यहाँ। थैंक यू। आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों, कोई खास बात है? भगवान के लिए आप घर ना आइए, वहाँ इंस्पेक्टर आया हुआ था, उसे ये मालूम हो गया है कि आप जिंदा हैं, वो आपको गिरफ्तार कर लेगा। आखिर तुम्हारी बेवकूफी ने रंग लाकर छोड़ा, मैंने तुम्हें मना किया था मगर तुमने इंस्पेक्टर का घर में आना बंद नहीं किया। आज जब मैं अपनी मंजिल के करीब पहुँच गया हूँ तो वो मेरे रास्ते में रुकावट बन के खड़ा हो गया है। मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं उसे घर में आने से नहीं रोक सकती थी। अगर तुम्हें अपने पति के मुकाबले में एक अजनबी का ज्यादा ख्याल है तो ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, मगर इतना कह देता हूं कि अगर वो इंस्पेक्टर मेरे रास्ते में रुकावट बनकर आया तो मैं उसे भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। अगर इंस्पेक्टर और आपका बेटा दोनों एक ही आदमी हुए थे। ये क्या? ओ काका आओ, बिल्कुल खा। तुम्हें किसने खोला? काका हम कोई जानवर है जो हम कोई खोलता बांधता? मैं पूछता हूँ तुम्हें किसने आजाद किया? अबे बता दे वरना कोई नई मुसीबत आ जाएगी। बता तो काका, हमने आपकी मुश्किल आसान कर दी, कमरू का बंदोबस्त कर दिया। कमरू का बंदोबस्त कर दिया? हाँ काका, आज रात के 11 बजे तुम्हें मिल रहा है। कहाँ? पुरानी मिल के अंदर। और अगर ये बात झूठ हुई तो? काका अगर ये बात झूठ होती तो हम यहाँ वापस आते। चलो भेलपुरी खा। भगवान ये तेरा क्या इंसाफ है, ये मेरे कौन से कर्मों का फल है। बाप और बेटे को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, मैं न उसकी कामयाबी की प्रार्थना कर सकती हूँ न इसकी, न उसकी कामयाबी पर खुश हो सकती हूँ न इसकी। बेटे को कुछ हो गया तो जीवन सुना हो जाता, और पति को कुछ हो गया तो सोलह गुजर जाएगा। कहाँ हो तुम अमरू? मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी कब से तलाश कर रहा हूं, तुम्हारी खोजें मैंने जमीन आसमान एक कर दी हैं। क्यों? इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी खुशी हो, आज मेरे लिए तुम सब कुछ हो। लंबी बात मत करो, जल्दी बताओ मुझे क्यों बुलाया है। ये मत भूलो कि तुम जेल से भागे हुए कैदी हो और पुलिस की नजर में मुजरिम हो। अब मैं मुजरिम नहीं, तुम मिल गए तो अब मुझे कोई मुजरिम नहीं कह सकता। तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मैं समझाता हूँ कमरू, बताओ वो कौन आदमी है जिसको तुमने बंसीधर का खून करते हुए देखा? बंसीधर? हाँ हाँ बंसीधर। मुझे गौर से देखो, मैं मनोहर लाल हूँ। जिस रात बंसीधर का खून हुआ तुम वहां मौजूद थे, तुमने वो खून अपनी आंखों से होते हुए देखा और तुम असली कातिल को अच्छी तरह जानते हो। तुमसे किसने कहा कि मैं कातिल को जानता हूँ? मुझे बनाने की कोशिश न करो कमरू, मुझे मालूम है तुम असली कातिल को जानते हो, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मान लिया कि जानता हूँ, फिर भी तुम्हें क्या बताऊं? मैं अपने लिए नहीं पूछता कमरू, अपने बच्चे के लिए पूछता हूँ। मेरी बीवी और बच्चे की आबरू का सवाल है। मेरा बेटा मुझे मुजरिम समझता है,
वो समझता है मैंने उसके लिए सिवाय शर्मिंदगी और बदनामी के कुछ नहीं किया। वो पुलिस अफसर जो मुझे पकड़ना चाहता है जानता है वो कौन है कमरू, वो मेरा बेटा है। मैंने आज तक किसी की मिन्नत समाजत नहीं की, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बस तू मुझे बंसीधर के कातिल का नाम बता दे, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। बस तू मुझे कातिल का नाम बता दे, बंसीधर के कातिल का नाम बता दे। राकेश को किसी ने गोली मार दी। राकेश को गोली मार दी? मेरे बेटे को गोली मार दी? भगवान के लिए आप जल्दी कीजिए, वो हॉस्पिटल में पड़े हैं, मालूम नहीं उनकी क्या हालत होगी। बेगुनाही का सबूत, तुम नहीं जानती ये कौन है, ये कमरू है, कमरू जो असली कातिल को जानता है। परेशानी उन्हें तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, ये कमरू नहीं, राकेश है, राकेश तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा? मेरा बेटा? के भेष में आया था। उफ, उफ, मैंने ये क्या किया? कहानी
घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। नर्स, मुझे मिस्टर राकेश से मिलना है। आइए। आपका नाम? नीला। एक मिनट ठहरिए, मैं अभी पूछकर आती हूँ। माफ कीजिएगा, वो आपसे मिलना नहीं चाहते। मिलना नहीं चाहते? मगर तुमने उन्हें ठीक से बताया था कि मैं मिलना चाहती हूँ। जी हाँ, लेकिन आई एम सॉरी। चली गई? जी हाँ, फूल ले गई हूँ। सुना, कोई और आया था? जी हाँ, वो माँ जी आई थी। माँ जी? जब से आपकी तबीयत ठीक हुई है वो रोजाना बाहर से पूछ के चली जाती हूँ। ठीक है नर्स, ठीक है। जिंदगी ने मुझे किस दोहराए फैलाकर खड़ा कर दिया। माँ मुझसे नहीं मिल सकती और मैं नीलू से नहीं मिल सकता। दर्द ही दर्द हूं, फरियाद नहीं हूं शायद। मेरा दिल भी
चुका बड़ी उलझनों में घिरा हूँ मैं बड़ी उलझनों में घिरा हूँ मैं ये फसाना कोई बना न दे मुझे रात दिन ये ख्याल है मैं दिया हूँ ऐसा जहान में मैं दिया हूँ ऐसा मैं दिया हूँ ऐसा जहान में के जलाता हूँ नहीं रोशनी के जलाता हूँ नहीं रोशनी जो जिगर में है वो खलिश कहीं जो जिगर में है वो खलिश कहीं मेरी हसरतों को मिटा न दे मुझे रात दिन ये ख्याल है मुझे रात दिन ये ख्याल है वो नजर से मुझको गिरा न दे मुझे रात दिन ये ख्याल है राकेश इस गम के सहरा में अकेले क्यों भटक रहे हो क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है ये मेरा नहीं मेरे नसीब का कसूर है नसीब का नहीं ये तुम्हारा कसूर है तुमने खुद ही सबसे नाता तोड़ लिया है राकेश क्या अपने दोस्तों को जलील करना अच्छी बात है तुम क्या कहना चाहती हो मैं बिल्कुल नहीं समझा तुमने मिलने से क्यों इनकार कर दिया इसलिए कि तुम्हारे पिता एक जेल से भागे हुए मुजरिम है उन पर किसी के खून का इल्जाम है और तुम ये समझते थे अगर ये बात मुझे मालूम हो गई तो मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी ये बात नहीं नीला मैं तुम्हें अपने दुखों में शरीक नहीं करना चाहता था इसलिए मैं तुमसे नहीं मिला राकेश तुम इतना नहीं समझते जो औरत तुमसे मोहब्बत करती है तुम्हारी हर चीज से मोहब्बत करेगी जो तुम्हें प्यारी है अच्छे या बुरे तुम्हारे पिता मेरे पिता हैं तुम्हारा दुख मेरा दुख है तुम्हारी मुश्किलें मेरी मुश्किलें हैं और आइंदा हम दोनों मिलकर एक साथ इन मुश्किलों का मुकाबला करेंगे बेटे की मुलाकात ऐसे हालात में हुई जो तकलीफ देने वाले हैं मगर जिंदगी पर ना आपका इख्तियार ना मेरा ये तो एक अंधा सफर है जो कुछ हुआ जो होगा ना आपसे पूछकर होगा ना मुझसे मैं अपनी मजबूरी को अच्छी तरह समझती हूँ बेटा जिंदगी किसी पर रहम नहीं खाती लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता थोड़ी देर के लिए हम और हर बात को भूल जाएं सिर्फ इतना याद रखें मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरे बेटे हैं
जरूर हो सकता है, हमेशा के लिए हो सकता है। आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं ये वर्दी उतार देता हूं। वर्दी उतरवा दो, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी तरक्कियां रोक दूं, तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाऊं। जो कामयाबी तुमने जिंदगी भर मेहनत करके हासिल की है उसे छोड़ने के लिए कहूं, ये मुझसे नहीं होगा। जब तक ये लिबास मेरे बदन पर जो आप कहती हैं वो मुझसे नहीं होगा। इसका मतलब है कि तुम अपने बाप को गिरफ्तार करोगे। मुझे अफसोस है, अगर उन्होंने गिरफ्तार होने से इनकार कर दिया तो कोने चलोगे? मेरा फर्ज यही कहता है। तुम औलाद होकर ऐसा कहते हो, ये तुम बोल रहे हो, तुम जिसे मैंने अपना खून पिलाकर पाला है, जिसकी याद में परसों रोती रही हूँ, जिसकी सूरत देखने के लिए तरसती रही हूँ, ये मेरा बेटा बोला है, मेरा बेटा बोला। हाँ राधा, ये हमारा बेटा बोल रहा है, हमारे बेटे को इसी तरह बोलना चाहिए। तुम्हें नाराज होने की बजाय खुश होना चाहिए, ये कोई मामूली लड़का नहीं, ये वो बेटा है जिस पर हम दोनों नाज कर सकते हैं। पिताजी, काश हम इन आलात में न मिले होते, बेटे से बाप की मुलाकात किसी और तरह होती। बेटे, जिंदगी बड़ी बेरहम है, इसमें जो न मिला उसका गम न करना चाहिए और जो मिल गया उस पर खुश होना चाहिए। मैं खुश हूं कि मुझे तुम जैसा बेटा मिला। पिताजी, मैं आपकी मिन्नत करता हूं, आप अपने को पुलिस के हवाले कर दीजिए, मैं वादा करता हूं आपको बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। बेटे, जिस बात को तुम ठीक समझते हो तुम्हें उस पर अमल करने का पूरा हक है, मगर उसी बात को जबरदस्ती मुझसे मनमाने का तुम्हें कोई हक नहीं। पिताजी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको गिरफ्तार करने पर मजबूर हो जाऊंगा। और अगर मैं गिरफ्तार होने से इनकार कर दूं तो मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा। बेटा, तुम वो करो जो तुम्हारा जमीर कहता है और मैं वो करूंगा जो मेरा जमीर कहेगा। मैं यहां हूं। मालूम होता है तुम्हें तुम्हारी मौत यहां ले आई है। मौत नहीं, मुझे जिंदगी की तलाश है। तुम यहां किसकी इजाजत से आए हो? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बताओ, तुम उस आदमी के पीछे क्यों हो जिसके पीछे मैं हूं? तुम्हें कमरू की क्यों तलाश है? क्या तुम वो आदमी तो नहीं जिसकी तरफ कमरू इशारा करने वाला है? तुम एक लोहे की चट्टान के सामने खड़े हो, टकराओगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। तुम बारूद के ढेर को आग लगा रहे हो, एक पल में जलकर खाक हो जाओगे। बारूद का ढेर नहीं, तुम एक चींटी हो जिसे यूं मसला जा सकता है। याद रखो, तुम जेल से भागे हुए कैदी हो, तुम्हें कोई भी गोली मार सकता है। हिम्मत है तो मार के दिखाओ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आगे कदम बढ़ाने से पहले जरा पीछे देख लो। सिर्फ मेरे इशारे की देर है, कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे।
मुझे मारने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। आदमी जिसका नाम कमरू है, तुम्हें उसकी सूरत तो अच्छी तरह से याद है ना? अजी सूरत तो क्या, हमें उसकी हरकतें भी याद है। क्यों बे? बिल्कुल ठीक है, आओ मेरे साथ। हेलो बॉस। हेलो राकेश। सलाम सर। देखो लालू पाले, मेरे दोस्त को कमरू का हुलिया ठीक ठीक से बताओ कि उसकी शक्ल कैसी। करेक्ट, चल भी कोशिश करे। गैस साहब, उसकी नाच बिल्कुल ऐसी थी, और साहब इसकी आग अगर टेढ़ी ना हो तो बिल्कुल उसकी आग जैसी। अबे कालू, ये तो बिल्कुल तेरी बाप की शक्ल है। ये तो सुल्ताना डाकू है। और तो क्या, तेरा बाप मंदिर का पुजारी था? वक्त जाया मत करो, जल्दी जल्दी बताओ। साहब उसकी नाक दुरुस्त कीजिए। हाँ, जरा सी छोटी हो जाए, जरा सी। बात बात बात, बिल्कुल ठीक है। क्यों बे? हाँ बे। जल्दी बताओ पेशानी कैसी थी? पेशानी? साहब उसकी पेशानी जरा चौड़ी है, बिल्कुल आपकी तरह। साहब उसके बाल और साहब उसके गाल। वाह साहब वाह, आप तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पेशानी बिल्कुल ठीक इसी तरह, और पेशानी पे बाल भी बिल्कुल इसी तरह चिपके हुए। क्यों बे? ठीक है बे। और उनकी ठुड्डी बिल्कुल आपकी तरह है। अबे नहीं बे, नहीं साहब, उसकी ठुड्डी में गड्ढा है। अबे ना, अबे अबे ना, अबे हाँ। अरे वाह साहब, आपने तो कमाल कर दिया, कमरू की शक्ल बिल्कुल ऐसी है। क्यों पार्टनर? हाँ, ऐसी शक्ल है। यही है कमरू, इसको मैंने कहीं देखा है। थैंक यू बॉस। ओके आओ चलो। आपने कमाल कर दिया। हेलो सेंट्रल जेल, यहाँ कोई गनपुर कमरू नाम का कैदी है? हाँ, क्या रिहा कर दिया गया? कब? आज ही? ओफो, मर गया था तू, तुझे ढूंढते ढूंढते नाक में दम आ गया। बस यही, हवा पानी बदलने चला गया था। लेकिन बात क्या है, एक बहुत बड़ा आदमी तेरी तलाश में। मेरी? अबे तुझे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। लेकिन देख, उसने अपन का शेर मांगता है। भाई सो तो ठीक है, लेकिन वो है कौन? अरे सेठ मनोहर लाल। मनोहर
निकला और वो जो जेल से चुप्पे देख कमरू बात ये है आज ठीक 12 बजे नेशनल मिल के गोदाम में पहुंच जाना हम सेठ मनोहर लाल को भी वहीं भेज देंगे तेरे एक बार पहुंच जा देख ऐसी ऐसे और नहीं पहुंचाना तो अपना दोनों का कचरा हो जाएगा पहुंच जाएगा ना तेरे थैंक यू गुड बाय आज रात 12 बजे नेशनल मिल के गोदाम में तुम मैं हूं कमरू लालू कालू ने मुझे तुमसे मिलने को कहा मनोहर लाल मनोहर लाल मुझे पहचानते हो तुम्हें नहीं पहचानता मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा मुझे तो पहचानते ही हो गए मनोहर लाल को मैं उसे भी नहीं जानता किसी को नहीं पहचानता तुम झूठ बोल रहे हो तुम मनोहर लाल से मिलने आए नहीं नहीं तुम मुझसे ये बताने आए थे कि बंसीधर का खून किसने किया नहीं नहीं ये बिल्कुल झूठ है मैं बंसीधर को भी नहीं जानता खैयो तुम झूठ बोल रहे हो आज तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते बताओ तुम क्या जानते हो बताओ मैं सीढ़ियों के नीचे सो रहा था रात के सन्नाटे में दो आदमियों को ऊपर जाते हुए देखा मैं उनके पीछे गया वो बंसीधर की ऑफिस पे घुसे मैंने झांक कर देखा तुमने मुझे बर्बाद कर दिया मेरे जेल जाने का सामान कर दिया मालूम होता है सो रहा था कोई डरावना ख्वाब देख लिया चलो अब होश में आ जाओ ये देखो देखा कितना खूबसूरत बनवाया है होता है ना असली का धोखा लो इसे रख दो और असली हार मेरे हवाले कर दो मैं कहता हूं तुम सब असली जेवर मेरे हवाले कर दो सब जेवर जो तुम आज तक ले गए आगे कुछ नहीं देखा मैं कुछ नहीं जानता मैं सच कहता हूं के ताऊ जी गुरु कभी तो हमारे बात पे यकीन करो उसे हमने अपनी आंखों से देखा है हम लोग ने उसे बात भी की मुझे यकीन नहीं आता काका क्या बेवारसी बात कर रहे हो काका कैसे यकीन नहीं आता मैं आपकी कसम खाता हूँ इसकी कसम खाता हूँ साथ में मेरी कसम खाता हूँ काका वो कमबख्त अभी तक जेल में था वो आज ही छुटा और आज ही हमने उसे मिलने का टाइम दिया क्या फायदा मैं समझता हूँ मेरी किस्मत में तबाही ली तबाही को डालो भट्टी में काका हमारी मैं 3 तक गिनती गिनता हूं अगर नहीं बताओगे तो ये गोली अपना काम कर जाएगी 1 2 मुझे मत मारो मैं वो सब कुछ बताता हूं जो मैं
देखा, उसके बाद मैंने देखा। वो तमाम जेवर तुमने बदले, माल सब खाए, जेल में अकेला जाऊं? अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मुझे साथ लेकर क्या? बेचारे को अकेले डर लगता है, ये बात है। हाँ यही बात है। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। मगर ये तुम भूल गए, इस रास्ते सब अकेले जाते हैं। मैंने इतना ही देखा। तो ये देखा था तुमने, इसीलिए उस कैदी को तुम्हारी तलाश है। मजा देखो कभी, आज के बाद तुम फिर कभी नहीं बोलोगे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सजा भुगत रहे हो इसलिए कि जुर्म मैंने किया है, और तुम कमरू जो मेरे रास्ते का कांटा बने हुए हो, क्यों? इसलिए कि तुमने जुर्म करते हुए मुझे अपनी आंखों से देखा है। जब तक तुम दोनों जिंदा हो मुझे चैन नहीं मिलेगा, और मैं नहीं चाहता कोई मेरे रास्ते में रुकावट बने। मैं आज तुम दोनों की जुबान हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूं। इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर लाल? कानून की जिद से बचकर कब तक अपनी खैर मनाओगे? ओह इंस्पेक्टर साहब, मालूम होता है आप अपने मुजरिम को पकड़ने आए हैं। ये है आपका मुजरिम, और वो रहा उसका साथी, पकड़ लीजिए इन्हें। इन्हें नहीं मिस्टर लाल, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। मुझे? इसका मतलब है कि बेटे के दिल पर बाप की मोहब्बत असर करने लगी है। बाप की नहीं,
एक बेगुनाह इंसान की। मिस्टर लाल, तुम समझते हो पुलिस बेवकूफ है? जो कुछ तुम करते हो उसे कोई नहीं देखता। मैं तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से लगा हुआ था, मुझे तुम्हारी एक एक बात मालूम है। मैं फिर कहता हूँ, ये पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बेटा बोल रहा है। ये बेटा नहीं, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा है। कमरू तुम्हारा भेद जानता है, इसीलिए तुम उसकी जान के पीछे पड़े हो। इंस्पेक्टर, तुम अपने बाप के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मुझे मुजरिम बना रहे हो। मिस्टर लाल, मैंने जो कुछ कहा है वो सही है, मेरे पास इसका पूरा सबूत है। गिरफ्तार कर लो ने। खबरदार, तुम कोई भी आगे बढ़ा तो गोली इसके सीने के पार हो जाएगी। रास्ते सब अकेले ही जाते हैं उस्ताद। मुझे माफ करिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी इंतहाई कोशिशों के बावजूद भी मैं असली मुजरिम को आपके सुपुर्द न कर सका। झगड़े के दरमियान इत्तेफाक से गोली इनके हाथ से चल गई और ये जख्मी हो गए। अंसीदर का असली कातिल यही है, गवाह सामने मौजूद है। मैं अपनी बेगुनाही साबित कर चुका, अब तुम जहां ले जाओगे मैं चलूंगा। आपकी बेहतरी इसी में कि आप अपने को कानून के हवाले कर दीजिए, आपके साथ पूरा इंसाफ होगा। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा कैदी हाजिर है। चलिए पिताजी। चलो बेटा,